नमस्ते, मेरा नाम पूजा है और मैं इस वक्त राजधानी रायपुर के गोल बाजार मार्केट इलाके में खड़ी हूँ। राजधानी में लगभग कुल 5-6 बड़े मार्केट हैं जहाँ लोग दूर दूर से खरीदारी करने के लिए पहुँचते हैं। उनमें से ही एक है ये गोल बाजार मार्केट इलाका, जहाँ पर लोग अपनी खरीदारी करने के लिए पहुँचते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अक्टूबर का जो महीना है वो पूरा त्योहारों से भरा हुआ है, जिसकी खरीदारी करने के लिए लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। आने वाले समय में दीपावली है और अभी कुछ दिनों में ही करवा चौथ है, जिसमें पत्नियाँ अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ कि मैं खड़ी हूँ और यहाँ पे लोग खरीदारी कर रहे हैं। ये दीपावली की साजसज्जा के लिए घरों में डेकोरेशन के लिए ये सामान खरीदने आए हैं। यहाँ पे काफी सारे लोग मौजूद हैं। इधर से आप जैसा कि देखेंगे कि चारों तरफ ये भीड़ है, आपको बताएगी कि लोगों में कितना खासा उत्साह है आने वाले त्योहार को लेकर। पूरे बाजार में रौनक जो है वो आपको देखने को मिल रही है। पूरे बाजार में जो रौनक है वो छाई हुई है चारों तरफ। आप मैं कैमरामैन को बोलूंगी कि पूरा व्यू एक पूरा घुमा के आपको दिखाएं कि बाजार की यह रौनक जो है वो कितनी ज्यादा है। हो सकता है कि मेरी आवाज इस वक्त आपको कम सुनाई दे, क्यों? क्योंकि लोगों का जो आवागमन है वो ज्यादा है, बाजार में रौनक जो है वो ज्यादा दिख रही है। मैं कैमरामैन को बोलूंगी कि पूरा व्यू एक पूरा घुमा के आपको दिखाएं कि बाजार की यह रौनक जो है वो कितनी ज्यादा है। हो सकता है कि मेरी आवाज इस वक्त आपको कम सुनाई दे, क्यों? क्योंकि लोगों का जो आवागमन है वो ज्यादा है, बाजार में रौनक जो है वो ज्यादा दिख रही है। ये आने वाले त्योहार से लोगों में खासा उत्साह है। मैं यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं जो खरीदारी करने के लिए पहुंची हैं। युवतियां हैं जो खरीदारी करने के लिए पहुंची हैं, जिनको मैं पूछूंगी कि आने वाले जो आने दूसरे साल की दीपावली और इस साल की दीपावली में क्या फर्क उनको नजर आ रहा है। मैम, आप पिछले साल दीपावली मनाई थी, अभी इस साल दीपावली में आप क्या कुछ नया करने वाली हैं? इस साल रौनक थोड़ी ज्यादा है, पिछले साल कोरोना के कारण तो रौनक बिल्कुल नहीं थी। इस साल ज्यादा एंजॉय लग रहा है, मार्केट में घूमने में अच्छा लग रहा है।